हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए। एंड ए सेट सी का अभ्यास 10 है। इस तरह के 16 से 17 सेट है, सभी सेट के अंतर्गत 10 से 12 अभ्यास है, 6 से 7-8 हज़ार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। दोस्तों, जो भी आपने नोट्स बनाया है, थ्योरी सेशन पढ़ा है, सभी का अपना स्कोर चेक कीजिए मेरे वीडियो के माध्यम से। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो, केबीएस एमबीएस हो, सभी चीज़ों के लिए मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है। एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दिया गया है, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस, सभी चीजें आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मिल जाएगा। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, जॉन बी वॉटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है। दोस्तों, जॉन बी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, और इन्होंने व्यवहार की व्याख्या जो है उत्तेजना और अनुक्रिया शब्दों में किया है। दोस्तों, मूल प्रवृत्तियां जो है, मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है मैकडूगल ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, विद्यालयों में जो सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व है, हम की भावना। नेक्स्ट है, जाति में मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जातिगत जो भावना होती है, वही जाति में मनोवैज्ञानिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न में से किसमें है। तो जो शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, वह पिछड़े बालकों की शिक्षा में है। किसमें है? पिछड़े बालकों की शिक्षा में है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे है सीखने की प्रक्रिया प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व है पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। दोस्तों, यदि आप किसी बालक को पुरस्कार देंगे, उसको शाबाशी देंगे, तो उसकी रुचि और कार्य करने की जो चेष्टा होती है और बढ़ जाती है, अच्छे ढंग से वो कार्य करता है, तत्पर हो जाता है। लेकिन अगर किसी बालक को दंड दे रहे हैं, तो उसकी रुचि कम हो जाती है, असंतोष की भावना, कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। यह नियम आपका पुरस्कार दंड की जो भावना का विस्तार व्याख्या है, यह थार्नडाइक के मुख्य नियम जो दिए हैं, उन्होंने 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम को हम लॉ ऑफ रेडिनेशन यानी तैयारी का नियम भी कहते हैं, माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, जैसे कि वार्मिंग अप, खेलों के पहले वार्मिंग अप करना, अपने आप को तैयार करना तत्परता के नियम में आ जाएगा। दूसरा नियम इन्होंने दिया है, मुख्य नियम सीखने में, अभ्यास का नियम, यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी जिसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, वो आपके पास उतना ही ज़्यादा याददाश्त रहेगा। जिस चीज़ को आप अभ्यास करना बंद कर देंगे, वो धीरे धीरे विस्मित हो जाता है। तीसरा उन्होंने दिया है सीखने का नियम, प्रभाव का नियम, जिसे संतोष असंतोष का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोला जाता है, जिसमें पुरस्कार और दंड की व्यवस्था आपका प्रभाव के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन निम्न में से क्या है। तो दोस्तों, अध्यापन के क्षेत्र में जैसे वर्तमान युग में शिक्षा की खेल प्रणालियां जो है, वह मनोविज्ञान की आज के युग में अध्यापन के क्षेत्र में सबसे बड़ी देन है। शिक्षा में खेल विधि के जनक कार्ल कुक हैं और किडन गार्डन विधि दिया है फ्रॉवेल ने। ये दोनों क्वेश्चंस बार बार आते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्न में से किस पर आधारित है। तो आधुनिक जो शिक्षा है, उसे मनोविज्ञान का अनुप्रयोग जो है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। किसी भी बालक को हम शिक्षा देंगे, तो हम उसके एक समान नजर से
तो व्यवस्थाओं की नजर से देख सकते हैं हम, बट उसको ज्ञान जानकारी अनुभव की नजर से एक समान नजर से नहीं देख सकती, क्योंकि सभी बालक अलग अलग ज्ञान जानकारी और योग्यता के होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग पर आधारित है। नेक्स्ट है, मानव चिंतन निम्न में से किस पर विशेष रूप से निर्भर रहता है? तो दोस्तों मानव चिंतन जो है वो तर्क पर निर्भर रहता है, तर्क शास्त्र पर, हर चीज में तर्क करता रहता है, और एक अच्छी बात है, जितना आप तर्क करेंगे आपकी बुद्धि क्षमता उतना ही निखरेगी। नेक्स्ट है, मानव जीवन में भाषा के कार्य निम्न में से कौन से हैं? तो दोस्तों विचारों का विस्तार करना यह भी भाषा का कार्य है, विचारों का निर्माण करना यह भी भाषा का कार्य है, विचारों में स्थिरता लाना यह भी भाषा का कार्य है। उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ निम्न में से किस आयु वर्ग में होता है? तो दोस्तों जो बाल्यावस्था होता है 6 से 11-12 वर्ष की अवस्था, उसमें बालकों में तर्क का आरंभ हो जाता है, बट उसका पूरा रूप से विस्तार किशोरावस्था में होता है, लेकिन जब तर्क की आरंभ कहें मूर्त अवस्था और तर्क का आरंभ ये बाल्यावस्था में होगा। जब अमूर्त अवस्था की बात आएगी, अमूर्त विचार की बात आएगी, तो वो किशोरावस्था या युवावस्था होगा। क्वेश्चन है, तुरंत आ गया उसी प्रकार का क्वेश्चन कि कार्य कारण के अमूर्त विचार का विकास मानव में किस आयु वर्ग में होता है? तो दोस्तों अमूर्त विचार जो है युवा अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? युवा अवस्था में होता है। यहाँ पे युवा अवस्था किशोर अवस्था दोनों नहीं दिया रहेगा, तो कोई एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस आयु में मानव में मुद्रा के संप्रत्यय का विकास हो जाता है? तो वह है 6 वर्ष की अवस्था में वो मुद्रा को पहचानने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, मानव चिंतन के विकास में 1000 तक की संख्या का संप्रत्यय किस आयु में काम करता है? तो यह 9 वर्ष की आयु में काम करता है। दोस्तों ये आपके मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके एमपी में जो सीडीपी पूछा जाएगा उसमें आपके काम आएगा। नेक्स्ट है, मानव चिंतन के विकास में आकार का संप्रत्यय निम्न में से किस आयु में बनता है? आकार का संप्रत्यय यह 6 वर्ष की आयु में बनता है, बच्चा आकार आकृति को पहचानने लगता है। नेक्स्ट है, मानव चिंतन के विकास में काल का संप्रत्यय किस आयु में परिपक्व होता है? काल का संप्रत्यय तो यह 12 वर्ष किशोरावस्था आने वाला होता है, तो उसमें परिपक्व हो जाता है वही चीज। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? तो दोस्तों 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में सबसे पहले ओलंपिक ध्वज को फहराया गया। इसको बनाया था बैरन पियर डी कुबर्टिन ने 1913 में। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं कौन से हैं? तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपस में गुथे हुए 5 छल्ले। आपस में गुथे हुए 5 छल्ले। ये 5 छल्ले किस कलर के होते हैं? नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें से नीला कलर जो होता है वो यूरोप का प्रतीक होता है, पीला कलर एशिया महाद्वीप का प्रतीक होता है, काला कलर आपका अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक होता है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, और लाल अमेरिका महाद्वीप का। ये 5ों छल्ले 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं और दुनिया को एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो पीला कलर, ठीक है, पीला जो छल्ला होता है एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, ओलंपिक गान की रचना किसने की? तो दोस्तों ग्रीस के स्पाइरा समरास कोस्टीम पलामास ने ओलंपिक गान की रचना की थी, जिसको मान्यता 1958 में मिला था और सबसे पहले गाया गया था 1960 रोम ओलंपिक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली थी? तो 1958 में। नेक्स्ट है, ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे अनअधिकारिक तौर पर पूछता तो आपका हो जाता 1928 में प्रथम बार जलाया गया था, लेकिन यहाँ पे 1936 आपका आधिकारिक तौर पर जलाया गया था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? तो ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग सबसे पहले 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया, जिसका शुभंकर था पालोमा कबूतर, लेकिन यह 1968 में अनअधिकारिक तौर पर हुआ था, आधिकारिक तौर पर 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, जिसका शुभंकर वाल्दी एक शिकारी पुत्र था। आपको पूछा जाएगा ज़्यादातर 1920 दो पहला और अंतिम वाला पूछा जाता है, तो 2020 में टोक्यो जापान जो ओलंपिक हुआ है उसका शुभंकर यानी मस्कट है मिराई तोवा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मास्को ओलंपिक खेलों 1980 का शुभंकर क्या था? तो मास्को ओलंपिक खेल 1980 का शुभंकर मीसा भूरा भालू था। नेक्स्ट है, जब अध्ययन के लिए चुने गए गुड़ का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहेंगे समजातीय संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे? समजातीय संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है, जब चर का मान इकाई 2 में बदलता रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जब बदल रहा है तो वो विषम जातीय हो जाएगा, क्या होगा? विषम जातीय संख्या उसको कहेंगे। नेक्स्ट है, उदाहरण के लिए बुद्धि परीक्षण हेतु कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों की जनसंख्या होगी, तो दोस्तों 10 कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? तो इसमें समजाति विषम जाति दोनों हो सकते हैं, कुछ सम हो सकते हैं कुछ विषम हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, आमतौर पर मनोविज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन हेतु न्यायदर्श यानी जस्टिस का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? तो आमतौर पर किसका प्रयोग होता है? विषम जातीय। ये सोच के अध्ययन किया जाता है कि सभी बच्चे के व्यवहार, उसकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सभी चीज़ें अलग अलग हैं, कोई भी बालक एक जैसा या कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है। नेक्स्ट है, जन परिभाषित जनसंख्या की इकाइयों की गणना एवं क्रमांकन सरलता से संभव होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिन जन परिभाषिक जनसंख्या की इकाइयों की गणना एवं क्रमांकन सरलता से संभव होता है उसे हम कहते हैं सीमित जनसंख्या। सीमित जनसंख्या रहेगी तो उसके हम इकाई गणना क्रमांकन सब कुछ सही से कर लेंगे, सरलता से कर लेंगे। नेक्स्ट है, जब जनसंख्या की इकाइयों की गणना या क्रमांकन असंभव हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे जब असंभव है तो असीमित जनसंख्या कहेंगे, असीमित जनसंख्या क्रमांकन करना गणना करना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट है, शोध यानी रिसर्च में सीमित जनसंख्या का उदाहरण है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिया है आकाश में नक्षत्रों की संख्या है, इसको गणना नहीं किया जा सकता है। एमए के छात्र ये सीमित असीमित ये भी संख्या है। यहाँ पे मिथिला विश्वविद्यालय के एमए राजनीति विज्ञान के छात्र ये आपके एक सीमित जनसंख्या है, और सभी एमए एमए में बहुत सारा सब्जेक्ट आ जाता है तो सभी छात्र जो बहुत ज़्यादा असीमित जनसंख्या का कारण हो जाएगा, लेकिन एक विषय के छात्र को गिनना आसान हो जाएगा, यहाँ पे सीमित जनसंख्या का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, शोध में असीमित जनसंख्या का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे छात्र प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक ये तो सीमित जनसंख्या का उदाहरण है, बट यहाँ पे आपका आकाश में नक्षत्रों की संख्या जो है ये असीमित जनसंख्या का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्तों क्रिश्चियन कॉलेज सारी शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है YMCA की स्थापना कब हुई थी, तो YMCA की स्थापना 1920 ईस्वी में चेन्नई के मद्रास में HC बक के द्वारा किया गया। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है YMCA के संस्थापक कौन है दोस्तों, निम्न में से, तो HC बक है, इनका पूरा नाम हेनरी क्रोबक है, भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट है एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ दोस्तों, तो इसका गठन 1958 में किया गया, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन। इसी कमेटी के द्वारा NSNIS पटियाला नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट खोला गया, स्थापना किया गया। नेक्स्ट है NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब किया गया, तो 1961 में किया गया, 7 मई 1961 को। इसी का बाद में नाम बदल कर NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट रख दिया गया। नेक्स्ट है नेहरू युवक केंद्र की स्थापना किस सन में हुई, तो नेहरू युवक केंद्र की स्थापना 1972 में हुआ। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना हुआ था, और इसका वर्तमान में नाम बदल करके अथॉरिटी शब्द हटा दिया गया है, केवल SI यानी स्पोर्ट इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई, तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में हुआ। दोस्तों आपका स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी स्थापना 1954 में हुआ है, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का भी स्थापना 1954 में हुआ है, तो सिमिलर वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट है अनुसंधान यानी शोध जिसे इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं, के अर्थ में आर और यफ शब्द दो तक है, तो दोस्तों यहाँ पे यफ शब्द का दो तक हो जाएगा, आर जो है यफ शब्द के दो तक में हो जाएगा, यहाँ पे ग आपका राइट हो जाएगा, आवृत्ति व गहनता का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी मतलब उसका बार बार दोहराव या आवृत्ति, रिसर्च मतलब पुनः सर्च दोहराते रहो। नेक्स्ट अनुसंधान के अर्थ में सर्च शब्द किसका समानार्थी है, तो दोस्तों ये सर्च शब्द जो है वह खोज का समानार्थी है। नेक्स्ट है शोध में वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है, कौन व्यक्ति सफल कहा जा सकता है, ऑप्शन है जिसने नए सत्यों तथ्यों की खोज की है, ये भी राइट है, पुराने तथ्यों या तथ्यों सत्यों तथ्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया है, सही बात है, आंकड़ों से प्राप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, इन सभी आंकड़ों को सफल शोध में सफल व्यक्ति कहा जा सकता है। नेक्स्ट है भूत एवं वर्तमान की घटनाओं की स्थिति का ज्ञान करना शोध का उद्देश्य है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है रोस का, कि भूत एवं वर्तमान की घटनाओं की स्थिति का ज्ञान करना ही शोध यानी रिसर्च है, यह कथन है रोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान के प्रकारों में बौद्धिक अनुसंधान इंटेलेक्चुअल रिसर्च से इसका संबंध है, तो दोस्तों अनुसंधान के प्रकारों में जो बौद्धिक अनुसंधान है उसका संबंध हो सकता है आपका मनुष्य की जिज्ञासा से, जितना आपके मन में जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा होगा उतना ही आपका आप अनुसंधान करेंगे, आपकी बौद्धिक अनुसंधान होगा। नेक्स्ट है शोध के प्रकारों के अंतर्गत व्यवहारिक शोध का संबंध इससे है, तो व्यवहारिक शोध का संबंध जो है वह है मनुष्य की इच्छा से। नेक्स्ट है मूलभूत अनुसंधान का उद्देश्य है, तो प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन में निष्कर्षों से संबंधित करना तथा तथ्यों का सकलीकरण करना, सरलीकरण करना,
ये दोनों चीजें आपके मूलभूत अनुसंधान का उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है एडवर्ड व क्रोनबैक का अनुसंधान का सही वर्गीकरण यह है। तो एडवर्ड क्रोनबैक का अनुसंधान का सही वर्गीकरण है सर्वेक्षण प्रविधि व्यवहार तथा आलोचनात्मक शोध। नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति में निम्न में से कौन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा व दर्शन पर आधारित है, ये सही बात है। एंड शैक्षिक अनुसंधान अंतर विषयात्मक पद्धति पर आधारित होता है, सही बात है, दोनों हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है घ है आपका शैक्षिक अनुसंधान व्यक्ति निष्ठा पर आधारित होते हैं, सही बात है, आपका निष्ठा रहेगा तभी आप ज्यादा से ज्यादा शैक्षिक अनुसंधानों से जुड़ सकते हैं। आपका यहाँ पे ख है शैक्षिक अनुसंधान सूचना व कल्पना पर आधारित होते हैं, दोस्तों कल्पना पर आधारित नहीं होते हैं, आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है वह है। तो यहाँ पे तीन ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, एक नहीं है, आपको देखना है व्यक्तिगत अनुभव, खोज विधि, आगमन निगमन विधि, ये तीनों आपके ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, जबकि सत्ता आपका ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है वह कौन नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है वस्तुनिष्ठता है, भावात्मक अनुमान है, क्रमबद्ध चिंतन है, बट परिकल्पना का प्रयोग नहीं करना नहीं है, क्योंकि परिकल्पना का प्रयोग करना है, यहाँ पे नहीं करना लिखा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का 50 MCQ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।